मुकाबला से शक्ति बंदा है तुझे सहना नहीं खुद को आज़ाद कर। तुझे इंसाफ करना है तुझे परवाज़ छूने हैं खुद को आज़ाद कर। तुझे वजूद लिखना है तुझे इतिहास बदलना है खुद को आज़ाद कर। तुझे आवाज़ उठानी है तुझे तशद्दुद को हराना है। तशद्दुद मीन्स की मारपीट। खुद को आज़ाद कर, बेड़ियों को तोड़ने का वक्त आ गया खुद को आज़ाद कर। दीदी कौन थी? सोशल वर्कर, जो कि हम भी हैं। बबरी देवी को मालूम पड़ता है कि उनके विलेज में चाइल्ड मैरिज हो रही है। बबरी देवी तो सोशल वर्कर थी, सोशल वर्कर एडवोकेसी का काम भी करते हैं। बबरी देवी को लगा कि जो चाइल्ड मैरिज है ये नहीं होना चाहिए। अब चाइल्ड मैरिज की जो लीगल एज है क्या मैं जान सकती हूँ? क्या आपको बताएं लीगल एज क्या है चाइल्ड मैरिज की? I would like to welcome Mrs. Azra Parveen. I would like to welcome all the and my welcome to the media persons. And educate. Can bring peace. And बात करें आप बच्चे को भी वैसे ही treatment कीजिए। Actually, किसी को molestation करना, sexual harassment जो मेरी colleague आपके साथ बहुत अच्छे से define करेगी, कुछ special laws कमेटी और स्टाफ कमेटी के कोलाबोरेशन के साथ जो स्पेशल सेल के साथ जोड़ा गया था, जहाँ पे बात की जाती है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्चुअल हरासमेंट, जिसको हम सैफ ये पॉश एक्ट भी कहते हैं। ये जो एक्ट है 2013 में आया हुआ था, और इसके साथ जो हमने स्पेशल सेल फॉर वुमेन उसकी सर्विसेज को भी ब्रीफ करा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंदर सपोर्टेड में आता है। ये जो कोलाबोरेशन है पुलिस की तरफ से जो है स्पेशल सेल वहाँ पर एग्जिस्ट हुआ। और बात की जाए तो कॉलेज में हमें बार बार इस प्लेटफॉर्म का मौका मिलता है, जहाँ पे हम अपने यूथ को अवेयर करते हैं उसके राइट्स के लिए, पर्टिकुलरली हम वुमेन राइट्स के, उनको एम्पावर्ड किया जाता है उसके राइट्स के लिए। तो बहुत बार आए हैं और बहुत बार इस कॉलेज ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे जो ऑर्गेनाइज़र जो हमारे साथ है कैश और सैफ के, इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कोलाबरेट करके इस वर्कशॉप, टू डेज वर्कशॉप को जो है बहुत फ्रूटफुल हो रहा है और कल भी होगा। आई थिंक अभी तक पूरा रेशो तो नहीं बता सकती हूँ कि 125 अबव स्कूल्स ये उधमपुर के हमने किए हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, मिडल हो, प्राइवेट हो, और साथ साथ में हमने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी अवेयर किया है, ताकि हमारे उधमपुर में है जागरूक आए वुमेन राइट्स की, हम लोग बचे रेप से, हम लोग बचे सेक्चुअल हरासमेंट से, हम लोग बचे फिजिकल वायलेंस से। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर केवल कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। ये वर्कशॉप हमारी 2 दिन की वर्कशॉप है, जो कि हमारी कैश कमेटी है और सैप क्लब है, स्विस एक्शन प्लान क्लब, उनकी कलेबोरेशन से की जा रही है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये हमारा टॉपिक है। तो ये वर्कशॉप जो हमारे न्यू कॉमर्स हैं या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए कि जैसे अब आप देख रहे हो कि सोसाइटी में गर्ल्स के या वुमेंस के रिलेटेड क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको हराश किया जाता है, कहीं ना कहीं चाहे वो उनके यंग स्टेज से, चाइल्ड से लेके और एज्ड तक उनको कहीं ना कहीं हरासमेंट मिलती है और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो उनके लिए हरासमेंट के रिलेटेड क्या लॉज हैं, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है और किस तरीके से वो अपने आप को आगे ला सकती हैं, तो इसी के उपलक्ष में ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें हमने रिसोर्स पर्सन स्पेशल सेल फॉर वुमेन से मंगवाए हुए हैं, और इसके साथ ही हमने इनके लिए एक डिफेंस ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि कल जैसे कभी कोई एक्सप्लॉयटेशन की जाती है तो हम बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे कि ऑन द स्पॉट वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले तो देखो जो भी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें जागरूकता सबसे ज़रूरी है। तो कॉलेज लेवल पे हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको टाइमली हम अवेयर करते रहें, और कहीं ना कहीं यही स्टूडेंट्स जो कि पिलर है हमारे नेशंस के, तो ये मैसेज आगे स्प्रेड करते हैं और अपने सोसाइटी में भी जो लॉज हैं वुमेंस को प्रोटेक्शन के लिए, वो उनको आगे मैसेज पहुँचा सकते हैं। और जैसे रूरल गर्ल्स हैं या रूरल वुमेंस हैं, वहाँ पर भी ये मैसेज पहुँच सकता है और वो भी उन लॉज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए बने हुए हैं।